आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना तरबूज को काटे और बिना उसमें टंकी खोले आप कैसे पता लगा सकते हैं कि तरबूज मीठा है या नहीं। दरअसल तरबूज गर्मियों के मौसम में एक बहुत ही स्वादिष्ट और ताजगी देने वाला फल है। ये न केवल एक ताज़ा और हाइड्रेटिंग स्नैक है बल्कि स्वास्थ्य और सेहत के भी बहुत सारे फ़ायदे तरबूज से प्राप्त होते हैं। पानी से भरपूर है तरबूज। तरबूज के फ़ायदों में से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसको खाने से पानी की कमी नहीं होती और यही चीज़ इसे गर्मी में हाइड्रेटेड रहने के लिए एक ऑप्शन बनाती है। लेकिन हमारे साथ कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम बाज़ार से तरबूज ख़रीदते हैं और वो मीठा नहीं निकलता, जिसकी वजह से हमें काफ़ी निराशा होती है और हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार तरबूज बेचने वाला हमें टंकी खोलकर उसके लाल होने या लाल ना होने के बारे में जानकारी लेने ही नहीं देता। ऐसे में ज़रूरी है कि हमें कोई ऐसी ट्रिक पता हो जिससे हम बिना तरबूज को काटे ही यह जान सकें कि तरबूज लाल है या नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी टिप्स बताएंगे जिनसे आप बिना तरबूज में टंकी खोले आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि तरबूज मीठा है या नहीं। टिप नंबर 1, वज़न देखें। एक मीठा तरबूज आम तौर पर एक साधारण तरबूज से ज़्यादा भारी होता है। अगर आप एक तरबूज को हाथ में लेकर भारी महसूस करते हैं तो ये एक मीठा तरबूज हो सकता है। टिप नंबर 2, पीले धब्बे। तरबूज में पीले धब्बे देखें। जो तरबूज खेत में पक जाते हैं उनमें दाग हो जाते हैं क्योंकि उसे बेल पर पकने में ज़्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से वह पीला हो जाता है। इसलिए अगर तरबूज पीला है या उस पर धब्बे हैं तो ऐसा तरबूज लाल और मीठा हो सकता है। टिप नंबर 3, आकार देखें। गोल और लंबे तरबूज आम तौर पर ज़्यादा मीठे होते हैं जबकि चपटे तरबूज कम मीठे हो सकते हैं। टिप नंबर 4, तरबूज को थपथपाकर उसकी आवाज़ सुने। जब आप तरबूज को हल्के से थपथपाते हैं तो मीठे तरबूज में खोखली और गहरी आवाज़ आती है। ठोस आवाज़ वाले तरबूज आम तौर पर मीठे नहीं होते। टिप नंबर 5, तरबूज का छिलका देखें। मीठे तरबूज का छिलका चिकना और चमकदार होता है। खुरदरा और मोटा छिलका होना तरबूज के कम मीठा होने का संकेत हो सकता है।